MIUI 13 प्लस Android 12 का अपडेट जब से हमारे Mi 11X डिवाइस को देखने को मिला है ना, जब से हमारे डिस्प्ले के अंदर से दो फीचर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है गायब हो चुके हैं, जो कि हमारा MEMC है और साथ साथ हमारा 120 का ऑप्शन। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल ही सिंपल सा ईजी सा तरीका होने वाला है जो कि हर एक यूजर से इसे फॉलो कर पाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करेगा। और ये जो मेथड मैं बताने लूँ ना, मेरे साथ मेरे एक दोस्त ने शेयर किया था करीब 10 दिन पहले, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, सोचा कि क्यों ना नेक्स्ट अपडेट आएगा जब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर भाई ख्याल आया कि चलो छोड़ो यार आज ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी लेटेस्ट अपडेट है इसके बाद कोई अपडेट नहीं आया है, तो जो मेथड मैं बता रहा हूँ ना आप किसी भी MIUI वर्जन के ऊपर फॉलो कर सकते हो, बस उसका एंड्रॉयड 12 का होगा तो काम कर जाएगा अगर आपका 120 का ऑप्शन डिसेबल वगैरह है तो। और ऐसे ही सेम प्रॉब्लम किसी अदर डिवाइस के अंदर भी है तो उस पर भी ये मेथड आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए और इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। इन मेथड को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आप जो भी MIUI यूज़ कर रहे हो अपने फ़ोन के अंदर, चाहे वो EU हो या फिर चाइना हो, उसे आपको रूट कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई एंड्रॉयड 12 तो रूट हो नहीं पा रहा है तो आपने रूट कैसे किया, तो जो लेटेस्ट मैजिक्स है उसका मैं फाइल अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आप ब्राउज करके डाउनलोड कर लेना और उसी जिप फाइल का यूज करते हो आप अपने एंड्रॉयड 12 को रूट कर लेना, इजी रूट हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो फुल यहाँ पे रूट हो चुका है। तो जैसे ही आप रूट करोगे उसके बाद आपको इस आइकन के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको सर्च बार दिखाई देगा जहाँ पे आपको टाइप करना है हाइड। जैसे आप यहाँ पे हाइड टाइप करोगे सबसे टॉप पे आपको दिखाई देगा मैजिक्स हाइड प्रॉप्स कॉन्फ़िग, इस पर आपको इंस्टॉल पे टाइप कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है, इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। अभी जस्ट मैंने MIUI 13 का ये चाइना रोम डाला है सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के लिए, क्योंकि अभी कई सारे कस्टम रोम पेंडिंग पड़े हुए हैं और उन सभी का वीडियो देना था, बट मन में ख्याल है कि चलो पहले इसे ही कर लेते क्लियर, उसके बाद बाकी अदर को देखेंगे। तो भाई थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है क्योंकि मैं अक्सर कस्टम रोम का वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो भाई वेट किया करो और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग के सब्सक्राइब नहीं आते हैं और ना ही लाइक आते हैं यार, कर दिया करो और सपोर्ट के लिए शेयर भी। अब यहाँ पे ये ऑन हो चुका है दोबारा वापस, और साथ ही साथ ये अब एक्टिव भी हो चुका है। एक्टिव को चेक करने के लिए वापस आपको मैजिक्स को ओपन करना होगा, मॉड्यूल के सेशन पे जाना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑन हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कमी है कि मैंने अभी तक प्ले स्टोर को यहाँ पे इनेबल ही नहीं किया है, तो मैं जल्दी से प्ले स्टोर यहाँ पे इनेबल कर लेता हूँ लॉग इन, क्योंकि वहाँ से एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जो कि मुझे डाउनलोड करना होगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर को लॉगिन कर लेते हो, आपका लॉगिन रहता है, आपको प्ले स्टोर में इसका नेम सर्च करना है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको इसे सिंपल डाउनलोड कर लेना है, जो कि बिल्कुल ही छोटे साइज़ का होता है, बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। इसके कंप्लीट डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इसे ओपन करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंस्टॉलिंग आएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप करना है SU, जो कुछ भी यहाँ पे टाइप होगा सब कुछ स्मॉल लेटर होगा ना कि कैपिटल। उसके बाद यहाँ जो साइन दिखाई दे रहा है ना चाइना का जो कीबोर्ड है, आप चाहो तो जीबोर्ड यूज कर लेना, इस पर टाइप करना है, फिर ऐसे एरर नजर आएगा, फिर से टाइप करना है। अब यहाँ पे जो मैजिक से उसका ये परमिशन लेगा और उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। परमिशन लेना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है, अगर नहीं होगा तो आगे का काम नहीं होगा। तो परमिशन ले लेने के बाद आपको अब यहाँ पे टाइप करना है सब स्मॉल लेटर में PROPS, उसके बाद फिर से यहाँ पे एंटर टाइप करना है। यहाँ पे लोडिंग आएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेकिंग लिस्ट आएगा जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको सिंपल वेट करना है। अब देख सकते हो तो यहाँ पे कई सारे नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, जिनमें से आपको आगे नंबर और नेम देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको फाइंड करना है यहाँ पे जो कि है हमारा एड एडिट कस्टम प्रॉप्स, जो कि नंबर 5 पे दिखाई दे रहा है। मे बी आपके डिवाइस में एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको देखना है एड एडिट कस्टम प्रॉप्स जो दिखाई देगा जिस नंबर पे, वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। मेरा 5 नंबर पे दिखाई दे रहा है, मैं 5 टाइप कर दिया यहाँ पे, जो कि आप देख पा रहे हो। अब फिर से मैं यहाँ पे एंटर टाइप करूँगा, अब यहाँ पे ये आ चुका है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आए हैं, NBE ई एग्जिट है, बी गो बैक है और एन है न्यू कस्टम प्रॉप्स। तो यहाँ पे हम एन टाइप करेंगे जो कि स्मॉल में है, तो स्मॉल में ही रहेगा ये, फिर से एंटर। जैसे ही आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है बी गो बैक ई एग्जिट और यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर डिजायर ऑप्शन, तब आपको यहाँ पे टाइप करना है जो कि आपको ऑन स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा, जो कि RO.product.device। इसके टाइप हो जाने के बाद फिर से आपको यहाँ पे एंटर टाइप करना है।
अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपके डिवाइस का कोड नेम, जो कि मेरे पास मी 11X है जो कि इंडिया का है। तो ये जो कोड आपको दिखाई दे रहा ना ALIOTH और जो लास्ट में IN लगा हुआ है, ये कंट्री का कोड रहता है। अगर आपका इंडोनेशिया का है तो वहाँ पे ID दिखाई देगा, ग्लोबल में कुछ और दिखाई देगा और इंडिया में IN दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो हमने रोम डाला है इस फ़ोन के अंदर वो चाइना का रोम है, जिसकी वजह से हमारा 120 और MEMC नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो डिवाइस है ना IN इंडिया का है और चाइना का है जो कोड नेम में IN लगा हुआ नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे हम यहाँ पे IN को हटाएंगे और सिर्फ जो कोड है उसी को इन करेंगे। तो अब यहाँ पे ये कोड देख के हम टाइप करेंगे जो कि है ALIOTH। IN नहीं लगाएंगे क्योंकि IN लगा देंगे तो फिर से ये इंडिया का बन जाएगा, हमें इंडिया का नहीं चाइना का बनाना है। ओके, अब फिर से हम यहाँ पे एंटर पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, जो कि इंटर यस और नो लिखा हुआ आ रहा है कि आपको इसे कंटिन्यू करना है या नहीं। तो यस मुझे कंटिन्यू करना है, वाई टाइप करेंगे, उसके बाद एंटर पे टाइप करेंगे। यहाँ पे वर्किंग है, थोड़ा सा वेट करेंगे और अब यहाँ पे आपका डिवाइस रीस्टार्ट होगा एक बार, ताकि ये जो है आपका अप्लाई हो सके सेटिंग जो कि आपने यहाँ पे चेंज किया है। तो फिर से वाई टाइप करेंगे और यहाँ पे एंटर पे टाइप करेंगे। अब हमारा डिवाइस यहाँ पे एक बार रिबूट होगा, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे ये फ़ोन ऑन हो चुका है, तो चलिए अनलॉक करते हैं और देखते हैं कि क्या ऑप्शन वगैरह आ गया कि नहीं आया। तो यहाँ पे फ़िलहाल ओपन हो चुका है, डिस्प्ले के अंदर आते हैं और अब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये 60 पे सेट था बाय डिफ़ॉल्ट, अब 120 हम यहाँ पे कर सकते हैं। साथ साथ हमारा जो MEMC का फीचर्स वगैरह था ना, वो भी अब यहाँ पे आ चुका है और अच्छे से अब काम करने लग गया है। और इसके पहले हमारा जो कैमरा था वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रहा था, जबकि पोको F3 यूजर्स को कोई दिक्कत नहीं आ रहा था क्योंकि वो ग्लोबल का था, उनमें काम कर रहा था, लेकिन मी 11X वाले यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब फिलहाल यहाँ पे कैमरा क्लिक करते हैं, आप देख सकते हो कोई भी क्रैशिंग नहीं हो रहा था, लेकिन आप पहले वाला MIUI 13 का रिव्यू देखोगे मी 11X के ऊपर तो उनमें अक्सर ये प्रॉब्लम आ रहा था, चाहे मैं चाइना का रिव्यू करूँ या फिर जो EU का रिव्यू करूँ, सिमिलर प्रॉब्लम था। बट अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है और अब हम यहाँ पे अच्छे से यूज कर पाएंगे हमारे कैमरे को भी, और यहाँ पे 120 की वजह से अब जो फ़ोन का जो स्मूथनेस है ना वो भी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। और ये चेक करने के लिए कि 120 हमारा प्रॉपर शो हो रहा है या नहीं, तो चलिए मैं आपको डेवलपर के ऑप्शन में लेके चलता हूँ और वहाँ से भी दिखा देता हूँ कि अब ये कैस तरीके से शो करता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है रिफ्रेश रेट का ऑप्शन, जो कि ये रहा, ठीक है, ये हमारा 120 अब शो करने लग गया, जो कि पहले शो नहीं करता था। और अब मैं यहाँ से इसे चेंज भी करूँ तो आप देख सकते हो 60 आ गया, 120 आ गया और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ हो चुका है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा इस वीडियो के अंदर, जो कि पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है। तब इसका यूज करने का जो मज़ा है ना वो बिल्कुल ही 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मेथड मैंने आपको यहाँ पे शो किया है ना वो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह रहता है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।